टेक वाबा के टॉप मैनेजमेंट को और हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट के ग्लोबल हेड रजनीश चोपड़ा जी। चोपड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। नतीजों से करेंगे शुरुआत। इस बार हमने देखा कि आपकी जो आय है, रेवेन्यू, उसमें हमने कुछ गिरावट आते हुए देखी है। क्या वजह रही, कौन से सेगमेंट में हमने देखा कि इस बार सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला? जहां तक हमारा रेवेन्यू का सवाल है, आपने देखा होगा देर इज अ वेरी नॉमिनल डिप, दैट इज 5-4%। नॉर्मली ये प्रोजेक्ट फेजिंग की वजह से होता है कि जो हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो किस फेज पे हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में देर वर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो कि लास्ट फेज पे थे, जहां पर प्रोजेक्ट क्लोजर पे फोकस था, तो उसी वजह से आप देख रहे हैं कि उस पर थोड़ा सा डिप है। इसके अलावा कुछ हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आपने हमारा रिसेंट ऑर्डर इनटेक देखा होगा तो ये हमें जीएनएम से एक ऑर्डर मिला, गाजियाबाद नगर निगम से, हमें सेनेगल से एक डिसैलिनेशन का ऑर्डर मिला, रिलायंस से इंडस्ट्रियल ऑर्डर मिला है। तो ये जो ऑर्डर्स हैं अभी, ये इसका एग्जीक्यूशन का जो इम्पैक्ट है वो अभी सेकेंड क्वार्टर में आना शुरू होगा। इसके अलावा एक हमारा मेजर कॉन्ट्रैक्ट था जो कि ऑन होल्ड था, वो सिबो रशिया का था, तो उसमें जुलाई में हमें वहां से भी इंटीमेशन आ गया है कि उसको हम रिज्यूम कर सकते हैं। तो अभी जो ओवरऑल हमारे को दिख रहा है कि ये जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं और इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तो इस वजह से हमको टॉप लाइन ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगी आने वाले क्वार्टर्स। मार्जिन्स हमने देखे हैं सर कि यहाँ पर पिछले 3 क्वार्टर में वो काफ़ी अच्छे दिखाई दिए हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी जो 10% का मार्क है जिसके ऊपर आपके मार्जिन दिखाई दे रहे हैं वो मेंटेन रह पाएगा, या इसमें कुछ कूलिंग ऑफ की उम्मीद है? जहां तक मार्जिन का सवाल है, आपने देखा होगा कि हमने इवन लास्ट ईयर में जो हमारा बॉटम लाइन था जो कि नेट पैट है, वो टॉप लाइन से ज्यादा ग्रो कर रहा है। ये एक कॉन्शियस एफर्ट है हमारा, एक स्ट्रेटेजिक इंटेंट है कि हम जितने मैक्सिमम जो ऑर्डर्स हम ले रहे हैं वो हाई टेक्नोलॉजी है, एक उसमें अच्छा मिक्स है इंडस्ट्रियल ऑर्डर्स का और ओवरसीज ऑर्डर्स का, जिसमें कि हमारे कैश फ्लोज, मार्जिन्स और सबसे बड़ी बात है जो टेक्नोलॉजी कंपोनेंट है जिसमें कि रिस्ट्रिक्टेड है। जब आप ऑर्डर्स की अगर हमारे नेचर देखें तो ये ईपीसी नहीं, ये बहुत सारे ऑर्डर्स ईपी हैं। तो जो नई ज्योग्राफीज है जैसे सेनेगल है और ज्योग्राफीज जो नई हैं जैसे रशिया है, तो इन सब ज्योग्राफीज में हम देख रहे हैं कि हम कंस्ट्रक्शन नहीं ले रहे हैं, तो उसकी वजह से टॉप लाइन पे उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको बॉटम लाइन और मार्जिन में देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। तो अब हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि जो हमने गाइडेंस दिया है कि हम प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिखाएंगे, प्रॉफिटेबल।